हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक गवर्नमेंट जो है स्कीम को बहुत ही ब्रीफली मेंस टाइप का देखेंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम है, ठीक है। श्रमेव जयते, देखिए मोदी सरकार जो भी स्कीम बनाती है वो स्कीम उसके नाम में ही उसका पूरा की क्रक्स छुपा होता है। श्रमेव जयते मीन्स होता है कि लेबर को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, लेबर को कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए एक एक योजना चलाई गई थी। ये अक्टूबर, ठीक है, 2014 में स्टार्ट की गई थी सरकार एनडीए की फर्स्ट गवर्नमेंट के बनते ही। नाम था दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। देखिए, इसको मैं एक तरह से मैं आपको और बताता हूँ इसको प्रॉब्लम क्या है। देखिए, जब भी किसी आप फैक्ट्री में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे दो लोग होते हैं, ठीक है। हाईलाइट एंड इनिशिएटिव ऑफ दिस स्कीम वो अलग बात है, मैं पहले बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी प्लांट में गए काम करने, मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट में कुछ होते हैं एम्प्लॉई और कुछ होते हैं लेबर टाइप के वर्कर। ये तो करते हैं 8 घंटे ड्यूटी, लेकिन कहीं कहीं प्लांटों में इनको वर्करों को 8 घंटे और 12 घंटे भी काम कराया जाता है, और इनको एडहॉक के टाइप का लिया जाता है। मतलब एज ए रू जैसे होता है ना कि इंजीनियर और मैनेजर जो नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं उनके अलावा जो इंजीनियर और मैनेजर होते हैं, जो मतलब सॉरी इंजीनियर जो मैनेजर होते हैं वो तो एक अलग हो गया। उनको 8 घंटा जो है केवल उनको काम करना है और वो सेलेक्ट होके आते हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, उनका पीपीएफ बनेगा, ईपीएफ बनेगा। लेकिन अभी तक जो हो रहा था कि ये जो एडहॉक पे 8 घंटे या 12 घंटे पे जो लेबर काम करते थे, मतलब प्लांटों में जो डेली वेज पे जाते थे, ठीक है, उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी। उनका ईपीएफ नहीं करता था, उनका टिन नहीं करता था, मतलब उनका कोई सीरियल नंबर नहीं था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्विच कर जाते थे तो उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मतलब ये किसी तरह का डेटाबेस नहीं था कि मान लीजिए कोई 5 साल किसी टायर कंपनी में काम किया, फिर वो सीमेंट में गया, तो टायर कंपनी में जो उसका ईपीएफ कटा, जो उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो वैनिश हो जाती थी। तो इसी के कुछ चीज़ों को रिमूव करने के लिए ये योजना लाई गई है। योजना को हम देखते हैं वन बाई वन, ठीक है। इसमें क्या था, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। इनकी दो तीन चार पॉइंट है जिसको आप मेंस में आराम से कोट कर सकते हैं। पहला है श्रम सुविधा पोर्टल। एक ऐसा पोर्टल बनाया गया जिस पे आप बहुत कोई भी लेबर को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस पे जाके आप जो है अपने ग्रीवांसेस को या अपने कंप्लेन को लॉक कर सकते हैं। लेबर इंस्पेक्शन स्कीम, मतलब अगर लेबर ने कोई किसी फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम हुई और उसने जो है मान लीजिए उसे कोई लेबर करेगा नहीं क्योंकि जानता है कि अगर हमने ऐसा किया तो इंस्पेक्टर आएगा, लेबर इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करके कोई ऑर्डर लगा के चला जाएगा, लेकिन प्लांट से मुझे निकाल दिया जाएगा। लेकिन तब भी लेबर इंस्पेक्शन स्कीम लाई गई जिसमें 72 आवर में कंप्लेन करने के 72 आवर में जो है लेबर इंस्पेक्टर को इस सुविधा पोर्टल पे, श्रम सुविधा पोर्टल पे जो है जो उसका आउटकम को उस पर फीड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यह है कि, और सबसे बड़ी बात होती है कि कौन सा इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के जाएगा, ये ऑटो जनरेट होता है कंप्यूटर से, तो इसलिए प्लांट को या कंपनी के एचआर को पता करना मुश्किल हो जाता है कि कौन आएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, तीसरी बात, पोर्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। उस लेबर का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जैसे मान लीजिए वो बेचारा 14,000 पाता है, तो 14,000 तो पाता है इन हैंड कैश में, लेकिन गवर्नमेंट उसे 500 या 1,000 रुपये जो है उसका अलग से प्लांट की कंपनी जो है उसकी ईपीएफ में कटाती है। तो क्या होता था, जब वो प्लांट स्विच करके जाता था तो पहले क्या होता था, ईपीएफ अकाउंट ही नहीं कटता था उसका, कोई परमानेंट अकाउंट नंबर ही नहीं होता था, तो उसका जो भी ईपीएफ था वैनिश हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। तो इसमें क्या है, सिक्योरिटी है, चाहे लेबर एम्प्लॉय ही ना हो, वो चाहे मल्टीपल कंपनियों को स्विच करे, लेकिन उसका परमानेंट एक लेबर नंबर रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, और उसका एक परमानेंट ईपीएफ अकाउंट रहेगा, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो तीन बातें हैं, ये पोर्टल होगा इस पे आप जाके सब कुछ कंप्लेन कर सकते हैं, लेबर का इंस्पेक्शन होगा, यदि कंप्लेन की गई तो उसको लेबर इंस्पेक्टर जाएगा प्लांट में, इंस्पेक्शन करेगा, 72 घंटे में वो उसको अपलोड करना पड़ेगा,
किसी भी लेबर का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, ठीक है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नीचे है, अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना होगी। इसमें होता है कि मान लीजिए रेलवे हुई या मान लीजिए ONGC हो गई, किसी को अप्रेंटिस करा रही है, उसमें अप्रेंटिस में शायद 7,500 पर मंथ मिलता है। तो उसमें गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम 7,500 रुपये में, ठीक है, इसमें हम आपको 50% जो है रिमबर्स कर देंगे कंपनी को। मतलब आप जो है लोगों को अप्रेंटिस के लिए बुलाइए, उनको उनका कौशल डेवलप करवाइए। इसमें पहले बात को 7,500 में 25% तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे, आप 75% जो इसका लगभग बचा 5,000 के आसपास, उसका 50% हम आपको रिमबर्स कर देंगे। अब हम वन बाय वन इसकी पूरी जो है योजना को देखते हैं। श्रम सुविधा पोर्टल, मैंने बोल दिया ना कि दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते स्कीम जो है अक्टूबर 2014 में हुई थी, ठीक है। इसमें क्या है, श्रम सुविधा पोर्टल में क्या है, एलोकेशन ऑफ यूनिक लेबर आइट, मैंने कहा ना हर लेबर का, मान लीजिए चाहे जयपुर में काम करता हो, चाहे कोच्चि में काम करता हो, चाहे पटना में काम करता हो, चाहे विशाखापट्टनम में काम करता हो, चाहे मुंबई में काम करता हो, कोई भी एम्प्लॉय होगा जिस दिन वो काम करने जाएगा, सबसे पहले उसका परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसके जरिए वो लिन जिसको कहते हैं, जिसके जरिए वो कभी भी उसका EPF कटता होगा। सबसे बड़ी बात हो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटता रहेगा, और जब भी किसी दूसरी कंपनी में जाएगा ये अकाउंट उसका हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो ये एलोकेशन ऑफ लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिस पोर्टल विज हेल्प टाइम रिट्रेसल ग्रीवेंसेस, ठीक है। मतलब कि वो टाइम पे ही आप कंप्लेन करोगे, टाइम पे उसका जो है उस कंप्लेन को कंसिडर कर लिया जाएगा। एक ही फॉर्म होगा, सिंगल हार्मोनिक फॉर्म, सिंगल ऑनलाइन रिटर्न, ठीक है। और लेबर इंस्पेक्टर जो होगा श्रम सुविधा पोर्टल पे, लेबर इंस्पेक्टर जो होगा 72 आवर में इस पोर्टल पे, ठीक है, उस कंप्लेन उस ग्रीवेंसेस का क्या रिपोर्ट है अपलोड कर देगा, ठीक है। अब पहला हो गया श्रम सुविधा पोर्टल, दूसरा देखते हैं रैंडम लेबर इंस्पेक्शन। रैंडम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कंप्यूटर जनरेट करेगा कि कौन सा इंस्पेक्टर जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्टर राज खत्म होगा, क्योंकि जब इंस्पेक्टर ही कंफर्म नहीं होगा तो कंपनी उसको बाई नहीं कर सकती। उसे बाई तो करेगी, घूस तो उसको ऐसे भी खिला सकती है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा कि कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसलिए रैंडम लेबर इंस्पेक्शन स्कीम लिखा हुआ है कि कोई भी इंस्पेक्टर जाके स्कीम कर सकता है। और ये जो है ये कंप्यूटराइज लिस्ट ऑफ इन्फेक्शन जो है लिखा है जनरेट रैंडमली, ठीक है, ये जो भी जनरेट होगा वो रैंडमली जनरेट होगा। और यहाँ पे लिखा है कि देयर विज बी सीरियस प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी लिस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इन सीरियस केसेस, यदि कोई सीरियस केस है तो उसमें जो है इमरजेंसी प्रोविजन भी है इंस्पेक्शन करने का। और सबसे बड़ी बात है कि नाउ कंप्यूटर ड्रॉ द डिसाइड विच इंस्पेक्टर गो टू द इंस्पेक्शन, और जिस तरह से फैक्ट्री में जा सकता है, मतलब कौन सा इंस्पेक्टर जाएगा ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ये कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ठीक है। और उसको 72 आवर में अपलोड करना पड़ता है। उसे देखिए हमारे देश में करप्शन को रिमूव करना मुश्किल है, लेकिन इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इतनी अच्छी बात है, ये कंप्यूटराइज लिस्ट ऑफ इंस्पेक्शन विच बी जनरेटेड रैंडमली रिड्यूस इंस्पेक्टर राज हैज़ बीन अपलोडेड रिपोर्ट विद इन 72 आवर्स, ठीक है। तो पहला जो था, पहला आप देख लीजिए श्रम सुविधा पोर्टल, दूसरा था रैंडम लेबर इंस्पेक्शन स्कीम, तीसरा है यूनिवर्सल अकाउंट पर EPF। मैंने कहा था ना कि जो EPF है ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात होती है, कि वो उन बेचारों की सिक्योरिटी के लिए कोई प्रोविडेंट फंड नहीं करता था। जैसे जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनके प्रोविडेंट फंड करते थे, तो उनका परमानेंट EPF नंबर होता था। जैसे मान लीजिए आप जो है आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है, आज आपने स्विच करके कल IAS बन गए, या कल IAS थे आपने रिजाइन करके क्या कहते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, ठीक है, या कुछ और बन गए, तो आपका EPF IAS के दौरान जो रहेगा वहीं जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे उस समय भी आपका जो है वहीं EPF कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है।
तो लेकिन ये ऐसा सिर्फ एम्प्लॉय के लिए होता था, वर्कर के लिए नहीं होता था, लेबर के लिए नहीं होता था। तो इसलिए जो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आ गया और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ गया। ठीक है, इसमें क्या है कि पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी, मैंने कहा था ना कि मान लीजिए ऑर्गेनाइज सेक्टर अक्रॉस द जॉब, मतलब मान लीजिए आज इस कंपनी में है वो, 3 साल बाद यहाँ चला गया, 4 साल बाद यहाँ चला गया लेबर, ठीक है, तो इसका जो ईपीएफ है वो यहाँ भी बनेगा, फिर वही अकाउंट यहाँ एक्टिव होगा, फिर यही अकाउंट एक्टिव होगा। मतलब वो जब लास्ट में रिजाइन करेगा, मतलब उसको रिटायर होगा, तो उसके पास एज ए सिक्योरिटी मनी कुछ पड़ा होगा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आप देख लिए होंगे कि 2 बात 3 बातें हमने बताई इसमें, क्या कहते हैं, श्रम सुविधा पोर्टल, रैंडम लेबर इंस्पेक्शन स्कीम, यूनिवर्सल अकाउंट और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और ये देख लीजिए अप्रेंटिस प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनिशिएज इन इम्पार्टिंग जॉब ट्रेनिंग इन अप्रेंटिस। ठीक है, गवर्नमेंट विल रीइंबर्स 50% स्टैम्प पेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, मान लीजिए ONGC है, ये किसी को जो है अप्रेंटिस देती है, तो अप्रेंटिस में साथ 7,75,00 रुपये मिलता है, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो कुछ स्कीमें हैं इसको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये लिखा हुआ, गवर्नमेंट विल बी एड 25%, मतलब जो ये 75,000 होगा, 7,500, ठीक है, उसमें 25% गवर्नमेंट देगी, अब बचा लगभग 7 से 5 हज़ार के आसपास, 5 हज़ार में कंपनी ही देगी, लेकिन 5 हज़ार में 2,500 अप्रेंटिस को रिमबर्स कर दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। तो मतलब आप यदि किसी को टेक्निकल सिखा रहे हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट सोच रही है कि अगर हम कंपनियों को इंसेंटिव नहीं देंगे तो कंपनी किसी को ट्रेंड ही नहीं करेगी, कोई स्किल ही किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए अब मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार, ये यहाँ पे है 100 करोड़, अरे सॉरी 10,000 करोड़ अप्रूव किया गया अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। क्यों अप्रूव किया गया, यही 25% और 50% यही देने के लिए। ठीक है, ह्यूज स्किल डेवलपमेंट एम, मतलब ये कहा गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को सिखा के उसको स्किल उसका, आज देखेंगे कई जगह बहुत ज़्यादा अप्रेंटिस का फॉर्म निकलता है, लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ 7,500 मिलता है। ठीक है, तो मान लीजिए रेलवे निकाल रही है अप्रेंटिस, वहाँ भी 7,500 मिलता है, उसमें क्या होता है 25% गवर्नमेंट बियर करती है, जो जो जाके वहाँ सीखता है उसको पैसा तो मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं, वो सीखेगा लेकिन उस 7,500 पर मंथ में, चाहे अप्रेंटिस 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, गवर्नमेंट बियर करेगी, फिर बचे हुए में 50% बाद में रिमबर्स कर देगी उस कंपनी को। ठीक है, और एम है 50 लाख लोगों को अप्रेंटिस करना, और ये अप्रेंटिस देना, और 22 गुना इस स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और ये मैं आपको पहले से ही डिस्कस कर लिया हूँ। ठीक है, तीन चार बातें हो गई, ठीक है, चारों बातें एक बार फिर से, हम अप्रेंटिस में एक बार चारों बातें देख लीजिए, क्योंकि ये चारों पॉइंट लिखना बहुत बड़ी बात है, अगर कहीं कोट भी करेंगे आप तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत नंबर फेच होगा। श्रम सुविधा पोर्टल, दूसरा रैंडम लेबर इंस्पेक्शन स्कीम, तीसरा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर फॉर ईपीएफ, और चौथा अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना। ठीक है, और इसमें रैम्पेंट राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी है, कि मतलब आपकी बीमा भी कराई जाएगी, लेकिन मेन आपका जो है, मेन जो है आपको मैंने बता दिया, यही चार बातें हैं, क्या कहते हैं इस स्कीम में, उसको हम लोग जो है एक बार क्विक रिवीजन देखिए, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन देख लीजिए, लेबर ओवरऑल में के श्रम सुविधा पोर्टल बनेगा, ठीक है, और अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना, 50% स्टैम्प पेड बैक किया जाएगा, रैंडम इंस्पेक्शन स्कीम होगी, कंप्यूटराइज सिस्टम जनरेट करेगा कौन सा जाएगा इंस्पेक्टर, और 72 आवर में उसको अपलोड करना पड़ेगा, यूनिवर्सल अकाउंट मिलेगा, और जो अब तक जो है 4.17 करोड़ एम्प्लॉयों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर फॉर ईपीएफ मिल चुका है, मतलब ये लेबर किसी भी कंपनी में स्विच करें उनका ईपीएफ बनता रहेगा। एक तरह से लेबर रिफॉर्म के लिए, अगर कहा जाए कि लेबर रिफॉर्म के लिए आए, चाहे मीन ऐसे में आए, उसको भी आप कोट कर सकते हैं। ठीक है,
तो एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। चार बातें: श्रम सुविधा पोर्टल, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर फॉर ईपीएफ, रैंडम इंस्पेक्शन और फोर है अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो आपको कैसा लगा? आप लोग लाइक करिएगा, बताइएगा। थैंक यू।